हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हाँ थोड़े नाल मुस्कान शर्मा ते लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पाइसी रील्स जिसे गलबात करांगे बॉलीवुड पॉलीवुड दियां कुछ खास खबरां ते यानी कि कौन कितने स्पॉट होया है किस जाया जन्मदिन ते कौन हो रहा है ट्रोलर्स का शिकार। आओ पौने इन खबरां ते एक बार नज़र। बॉलीवुड अदाकारा विकी कौशल की माँ विना कौशल ने कल 3 नवंबर नु अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उरी दे अदाकार ने बहुत ही प्यारे अंदाज माँ को जन्मदिन की बधाई दी है। इंस्टाग्राम से एक बहुत ही प्यारी वीडियो शेयर करते हुए विकी कौशल ने माँ की मार और मालिश दोवों जिंदगी का सब तो वड्डा आनंद दसिया। विकी कौशल ने अपनी माँ विना कौशल को उन्होंने जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक थ्रोबैक वीडियो साझी की है जिस विच वो अपनी माँ तो चंपी लेंदे नज़र आ रहे हैं। इन्ना ही नहीं विकी कौशल की पत्नी और अदाकारा कैटरीना कैफ ने भी सस के जन्मदिन के पोस्ट से प्रतिक्रिया दी है। इंस्टाग्राम से वीडियो पोस्ट करते हुए विकी ने माँ के लिए प्यारा कैप्शन लिखा। विकी ने लिखा है, जन्मदिन मुबारक माँ, तुहाड़ी मार अते मसाज दोवां विच खुशी है, आई लव यू। वीडियो दे विच विकी ग्रे कलर की टी शर्ट पहने नज़र आ रहे हैं जबकि उन्होंने माँ विना कौशल पंजाबी सूट दे विच है। वीडियो के बैकग्राउंड दे विच एयर रहमान दा तू है गीत चल रहा। आओ पहले देखते हैं विकी दी इह वीडियो। अदाकारा कैटरीना कैफ ने भी अपने पति की इस वीडियो से प्यार जाहिर किया ते दिल दे इमोजी पोस्ट किए ने। जबकि अदाकारा नेहा धूपिया ने पोस्ट से दिल का इमोजी साझा किया। विकी कौशल के इस वीडियो से उन्होंने प्रशंसकों वालों खूब प्यार पाया जा रहा है। यूजर इस माँ बेटे की बॉन्डिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक प्रशंसक ने लिखा, उन्होंने जन्मदिन मुबारक है, देखना बहुत ही आरामदायक है। एक होर यूजर ने लिखा, तुसी इन्ने चंगे बेटे क्यों हो। एक होर प्रशंसक ने विना कौशल को शुभकामनावां दित्तियां। तुहानू दस दईए कि विकी कौशल शाम अते विना कौशल के वड्डे बेटे ने। उन्हां दे इक भरा सनी कौशल भी है। सनी जल्द ही जानवी कपूर दे नाल फिल्म मिली दे विच नज़र आउणगे जबकि विकी कौशल कोल फील्ड मार्शल सैम मानेकशा की बायोपिक च आने वाली फिल्म साम बहादुर है। आओ फिलहाल एक बार फिर तो नज़र पाने इस माँ बेटे की प्यारी वीडियो पर। जानवी कपूर की बहुत उड़ीकी जा रही सर्वाइवल ड्रामा फिल्म मिली आज सिनेमाघरों के रिलीज़ हो रही है। ये हिट मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है और इसके असली निर्देशक मुथुकुटी जेवियर ने खुद इस निर्देशित किया है। इस नाल ही 3 नवंबर वीरवार को मुंबई के जानवी कपूर सनी कौशल स्टारर फिल्म मिली की स्टार स्टडीड स्क्रीनिंग रखी गई। इस शानदार समारोह के फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। इन्हां विच दिग्गज अदाकारा रेखा तो लैके विकी कौशल, सारा अली खान, अनन्या पांडे तक हर कोई शामिल होया। इस नाल ही रेखा ने जदों जानवी नूं आउंदे देखिया तां उस नूं निहारदी ही रह गई। ईवेंट दे विच लीड अदाकारा जानवी कपूर दी रेखा दे नाल बॉन्डिंग दा इक वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रहा है। आओ पहलां देखदे हां जानवी कपूर ते रेखा दा इह वीडियो।
इस वीडियो दे विच देखिया जा सकता है कि स्क्रीनिंग लई पहुंचे रेखा हैरानी अते खुशी दे नाल जानवी कपूर नूं देखदी रहिंदी है। इस दौरान वह मिली एक्टर नूं प्यार दे नाल गले भी लगाउंदी है। इस तों बाद दोवां ने इकट्ठे कैमरे दे लई कई तस्वीरां भी क्लिक करवाईआं। वायरल हो रही वीडियो नूं प्रशंसक भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे प्रशंसकों ने रेखा नूं जानवी तों ज़्यादा खूबसूरत दस्सिया। हालांकि रेखा ने ईवेंट ते सचमुच ही सारी लाइमलाइट बटोर ली। रेखा मिले की स्क्रीनिंग ते सही भारतीय लुक दे विच नजर आई। उसने गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी ते वालों दे विच गजरा पाया होया सी, जबकि रेखा की लाल लिपस्टिक उस दी लुक नूं होर भी वधा रही सी। दूजे पास इस मौके पर जानवी कपूर ने गोल्डन कलर का शरारा सूट पाया होया सी। दोवें एथनिक आउटफिट दे विच काफ़ी खूबसूरत लग रही सी। जानवी कपूर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मिली दे विच मिली नौदियाल नाम की लड़की का किरदार निभा रही है। फिलहाल आओ एक बार फिर तो देखते हैं रेखा दे जानवी कपूर की यह वीडियो। जानवी कपूर की बहुत उड़ीकी जा रही सर्वाइवल ड्रामा फिल्म मिली अज रिलीज़ होने तैयार है। निर्माताओं ने स्टार कास्ट के नाल फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग रखी, जिस विच नज़दीकी दोस्तों और परिवार वाले ने शिरकत की। स्क्रीनिंग लई अदाकारा रेखा भी पहुंची। उन्होंने जानवी और सनी कौशल के नाल पोज भी दिते। सनी कौशल और जानवी कपूर अपनी फिल्म मिली की स्क्रीनिंग से फोटोग्राफरस लई खुशी के नाल पोज देंदे नजर आए। मिले दे निर्माता बोनी कपूर फिल्म की स्क्रीनिंग ते वाइट कुर्ता पजामा दे विच पहुंची। उत्थे अनन्या पांडे अते सारा अली खान अपनी दोस्त जानवी कपूर की फिल्म मिली की स्क्रीनिंग ते नजर आए। दोवें अभिनेत्रियों ने अपने लुक नूं क्रॉप टॉप अते ट्राउजर विच कैजुअल रखिया। भरा विक्की अते सनी कौशल मुंबई विच मिली दी स्क्रीनिंग विच इकट्ठे हुए। अपनी फिल्म की रिलीज़ तो पहला विक्की नूं अपने छोटे भरा का समर्थन करना चंगा लग्या। फिल्म की स्क्रीनिंग दौरान सनी कौशल माता पिता श्याम कौशल और विना कौशल के नाल भी नजर आए। सारे परिवार ने एक दूसरे के नाल इकट्ठे फोटोज भी क्लिक करवाईया। फिल्म मिले की गल करिए सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म का निर्देशन मुथुकटी जेवियर द्वारा किया गया और बोनी कपूर द्वारा निर्मित है। यह फिल्म निर्देशक की अपनी 2019 की मलयालम फिल्म हेलन की रीमेक है, जो जिंदा रहने लड़ रही एक फ्रीजर में फंसी औरत के दुआले घूमती है। इस तों इलावा होर भी कई सितारे मिली दी स्क्रीनिंग ईवेंट ते पहुंचे हुए सी। आओ नजर पाउने आ इन्हां सितारियां दी वीडियो ते।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੌਟਨੈਸ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਜਲਵਾ ਬਿਖੇਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਨੋਮਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਾਫੀ ਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਬ੍ਰੇਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੀਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਬੂ ਆਪਣੇ 52ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਬੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬੂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਬੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਤਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਅਡਵਾਲਾ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜਿਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਬੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਮੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਬੂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਅਡਵਾਲਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਲਮੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਅਡਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਤਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬੂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ।
हालांकि वो नागार्जुन तबू नू अपना बहुत वधिया दोस्त मानते हैं। तबू ने आज तक विआह नहीं करवाया, फिलहाल वह अपनी जिंदगी दे विच काफ़ी खुश है। इस तो इलावा तबू इन्हीं दिन अपनी आने वाली फिल्म दृश्यम 2 नू लैके काफ़ी उत्साहित है। यह फिल्म 18 नवंबर को फिल्मी पर्दे पर रिलीज़ हो जा रही है। प्रशंसक उन्होंने फिल्म का काफ़ी बेसब्री के नाल इंतजार कर रहे हैं। सो इस अज दियाँ बॉलीवुड पॉलीवुड दियाँ कुछ अहम खबरां अज दे लई स्पाइसी रील्स दे विच इन्ना ही। फिलहाल मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।